नए संसद भवन के उद्घाटन पर पेश है आज एक विशेष प्रस्तुति। संसद, जो कि भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे अहम प्रतीक माना जाता है, या यूं कहें कि वो इमारत जो कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह है, अब खुद के इतिहास के आखिरी पन्ने में दर्ज होने की कगार पर है। हालांकि देश की संसद तो अभी भी क्रियाशील है और हर दिन वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर रही है, लेकिन इसके भवन की नींव अब कमजोर हो गई है। करीब 97 साल पुराना ये भवन कहीं न कहीं वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा था। ऐसे में दरकार थी एक ऐसे भवन की जो मौजूदा जरूरतों के लिहाज से माकूल हो, और यही वजह है कि देश को एक नए संसद भवन की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा नए भवन के निर्माण का काम शुरू हो गया। इस नए संसद भवन का निर्माण कार्य यूं तो दिसंबर 2020 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसका निर्माण कार्य अब पूरा हुआ है। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नए संसद भवन को विधिवत रूप से प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज यानी 28 मई 2023 वो दिन है जब प्रधानमंत्री द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नए संसद भवन के संदर्भ में आपकी उत्सुकता मुख्यतः दो बातों को जानने की होगी। पहली ये कि जब पुराने भवन से काम चल ही रहा था तो नए भवन के निर्माण की क्या आवश्यकता थी, और दूसरी ये कि आखिर नए संसद भवन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी चारों ओर चर्चा है। तो चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा संसद के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। जब हम इतिहास पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि मुगल बादशाह के शासनकाल में राजधानी कुछ समय के लिए दिल्ली से कलकत्ता स्थापित कर दी गई थी। कुछ समय बाद वर्ष 1911 में फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर द्वारा संसद भवन को डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके डिजाइन को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। दरअसल बेकर इसके हॉल के ऊपर गुंबद बनवाना चाहते थे, जबकि लुटियन का कहना था कि इसे वृत्ताकार ही रखा जाए, और अंत में समिति लुटियन के विचार से सहमत हो गई। शुरुआत में इन बिल्डिंग्स में संसद भवन बनाए जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक ऐसे भवन की जरूरत महसूस हुई जहां पर प्रशासनिक कार्य किए जा सकें। इसके चलते 1921 में संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस भवन को बनाने में कुल 6 वर्षों का समय लगा, यानी 1927 में यह भवन बनकर तैयार हो गया। इस निर्माण कार्य की कुल लागत 83 लाख रुपए थी। 18 जनवरी 1927 को इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, लुटियन के मुताबिक पुराने संसद भवन का आकार वृत्ताकार ही रखा गया, यानी ये एक विशाल वृत्ताकार इमारत है। इसका व्यास 560 फुट जबकि परिधि 1/3 मील है। लगभग 6 एकड़ में फैली ये इमारत अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है। इसमें कुल 12 द्वार हैं, जिनमें से 5 के सामने मंडप द्वार बने हुए हैं। पहली मंजिल पर कुल 144 हल्के पीले रंग के खंभे हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है। इसके गुंबद का व्यास 98 फुट एवं इसकी ऊंचाई 118 फुट है, और ये विश्व की शानदार गुंबदों में से एक है। भवन के केंद्र में वृत्ताकार केंद्रीय कक्ष या सेंट्रल हॉल है। 1946 से 1949 तक भारत के संविधान सभा की बैठक इसी भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। यहाँ तक कि भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी हॉल में किया गया था। इस हॉल के चारों ओर 3 अर्धवृत्ताकार हॉल हैं। इनमें से एक, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस नाम दिया गया था, उसका उपयोग अब तक लाइब्रेरी हॉल के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा राज्य परिषद हॉल अब तक राज्यसभा के रूप में और केंद्रीय विधानसभा हॉल लोकसभा के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं। इस भवन में लोकसभा सदस्य के बैठने के लिए कुल 550 सीटें तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुल 250 सीटों की व्यवस्था की गई थी। इस भवन में लंबे चौड़े लॉन, जलाशय और सड़कें भी बनी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस भवन को विदेशी कलाकारों द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका निर्माण स्वदेशी सामग्री एवं भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया, इसलिए इस भवन की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप स्पष्ट देखने को मिलती है। यही कारण है कि इसकी वास्तुकला के आधार पर ही ये दिल्ली की विशेष इमारतों में अपना स्थान बनाए हुए है। चलिए अब सवाल पर आते हैं कि नए संसद भवन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस समय इस संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस समय ये भू संरचना के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता था, जबकि वर्तमान में ये भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये भवन करीब 100 साल पुराना भी हो चुका है, तो इन तमाम बातों को देखते हुए जानमाल की हानि का डर हमेशा ही बना रहता है।
दूसरी तरफ बीते दशकों से संसद के कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण इन कार्यों के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। कर्मचारियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए संसद में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनके लिए कार्य क्षेत्र में कई उपविभाजन किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्यालय की संरचना खराब हो रही है और कर्मचारियों की कार्य कुशलता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब कभी संसद में संयुक्त बैठक होती है तो जगह की समस्या और भी बढ़ जाती है। दरअसल इसकी वजह है कि सेंट्रल हॉल में सिर्फ 440 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि मौजूदा वक्त में दोनों सदनों में करीब 790 सदस्य हैं। चलिए अब अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि नए संसद भवन में आखिर खास क्या है। तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास रखा गया। नए संसद भवन की अवस्थिति पुराने संसद भवन के ठीक पास में है। इस संसद भवन को विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा पूरा किया गया है। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैली ये एक तिकोनी आकृति की इमारत है। इस नए भवन के निर्माण की कुल लागत करीब 1200 करोड़ रुपए है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सभी सांसदों के लिए अलग दफ्तर है, जो आधुनिक डिजिटल सुविधा से लैस हैं। इसका उद्देश्य पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। इस भवन में बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के साथ भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही यहाँ सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष एवं पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया गया है, जहाँ विभिन्न मंत्रालयों के दफ्तर हैं। इस भवन में एक संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। संविधान की मूल प्रति भी इस हॉल में रखी जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 3 किलोमीटर लंबे राजपथ या कर्तव्य पथ को भी नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास स्थापित किया गया है और इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को संग्रहालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। इस नए संसद भवन में लोकसभा में कुल 888 एवं राज्यसभा में कुल 384 सीटों की व्यवस्था है। दरअसल भविष्य में सांसदों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम किया गया है। संयुक्त बैठक का आयोजन लोकसभा में किया जाएगा और इसके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 1272 तक बढ़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया जाएगा। इस सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के पास में ही नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन स्थापित किया जाएगा। इस सेंगोल को नेहरू जी ने अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था और फिर बाद में नेहरू ने इसे एक म्यूजियम में रख दिया। अब सवाल उठता है कि जब नए संसद भवन का निर्माण हो गया है, तब दिल्ली की विशेष इमारतों में खास जगह रखने वाले पुराने संसद भवन का क्या होगा। असल में नए भवन में शिफ्ट करने के बाद पुराने भवन की मरम्मत की जाएगी और मरम्मत के बाद इस संसद भवन में संसदीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए संसद भवन के शुरू होने के बाद पुराने भवन को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदलने की योजना है। तो व्यूअर्स, इस खास पेशकश में इतना ही। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।